स्टार्ट करो। देखो बच्चों, आपको स्टार्ट करते हैं क्लास टेंथ का मैथ, जिसमें आपको ऊंचाई और दूरी में करा रहे थे, जिस चैप्टर का नाम है त्रिकोण के अनुप्रयोग। तो शायद मैंने दो क्वेश्चन पहले करा दिए थे पहले वाले वीडियो में, अब सेकंड वीडियो में आपको लेकर के आ रहे क्वेश्चन नंबर आगे कराएंगे दो से आगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड आप क्वेश्चन नंबर पढ़ सकते हो आप अपनी किताब से, तो क्वेश्चन नंबर बढ़ा दे रखा है इसमें, ये दे रखा। देखो, एक ठेकेदार बच्चों को रोक खेलने के लिए एक पार्क में दो फिसल पट्टी लगाना चाहता है, या चाहती है। तो मतलब एक ठेकेदार है जिससे खेलने के लिए जो बच्चों को पट्टी लगाई जाती है। तो आगे सवाल में बोला है, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसल पट्टी लगाना चाहता है कि जिसका शिखर का 1.5 मीटर ऊंचाई हो पर हो, और भूमि के साथ वो कितने का कोण बना रहे, 30 अंश का कोण बना रहे। तो मैंने मान लिया, देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपके पास जो दे रखा है, थर्ड में ये दे रखा है आपके पास, एक मान लो एक पट्टी है, फिसल पट्टी है, इतनी ऊंची, यहां से क्या कर रहा है वो, यहां तक ये ऊंचाई कितनी रखी है उसके पास, सवाल में ऊंचाई आपके पास जो दे रखी है, सवाल में ऊंचाई है आपके पास 1.5 मीटर, 1.5 मीटर, जो एंगल का कोण कितने का बना रहे हैं, एंगल का जो कोण बन रहा है 30 अंश का, 30 अंश का बन रहा है, ठीक है। तो आपको ये वाली पट्टी बतानी है आपको कितनी है तुम्हारे पास, जो फिसल है जहां से बच्चे क्या करते, देखो ये सीढ़ी मानो चाहे आप जिसे मानते हो तुम लोग, यहाँ पे देखो सर्कस में जाते हो तुम लोग, ऊपर बच्चे जो क्या करते हैं वो यहां से फिसलना स्टार्ट करते हैं, वो नीचे जमीन तक आ जाते हैं। तो यहां से तुम्हारे पास इतना दे रखा है 1.5 मीटर है, और ये एंगल दे रखा है आपके पास 30 अंश है। तो देखो यहां से आपको मजा भी आता है, यहां से बैठे हुए रपको तो बहुत अच्छा लगता है ये देखा जाए तो आप यहां से जब सरकते हो तो यहां तक आते तो बहुत अच्छा लगता है आपको देखा जाए। तो अब इसी तरीके से आपका क्वेश्चन है, तो आपको ये बताना इसकी बीच की दूरी तुम्हारे पास दूरी कितनी होगी टोटल। तो देखो करते हैं बच्चों, तो इस वाले में कैसे करेंगे, तुम्हारे पास दिया है एंगल, नाम दे देंगे इसे ए बी और सी, एंगल सी बराबर आपके पास यहां पे लिख देंगे गिवेन है, या गिवेन इसमें दे रखा है एंगल सी बराबर 30 अंश दे रखा है, और एंगल सॉरी ए भी बराबर दे रखा है आपके पास 1.5 मीटर, और आपको निकालना है, तुम्हारे पास निकालना है कि आपको एसी निकालना है, एसी आपको निकालना है। मतलब इसी सवाल में आपके दो सवाल दे रखे, तो एक में पहले करा दे रही, दूसरा बाद में करा देंगे, ठीक है बच्चों। तो इस वाले में देखो हम क्या लगाएंगे, मैंने आपसे एक फॉर्मूला बता रखा था, यूपी बोर्ड वालों के लिए होता है तुम्हारे पास, तो मैंने बताया था लाल बटे कक्का, और इंग्लिश वालों के लिए क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। तो दो फॉर्मूले आपके पास होते हैं तुम्हारे पास, इसे बोलते हैं परपेंडिकुलर। देखो ये परपेंडिकुलर दे रखा है, और इसे बोलेंगे तुम्हारे पास क्या है, हाइपोटेनस, और ये हो जाएगा तुम्हारे पास बेस, ये बेस दे रखा है तुम्हारे पास। और मैं हिंदी की बात करेंगे तो आपके पास ये दे रखा है, क्या दे रखा है, लंबाई दे रखी है, और ये क्या दे रखा है, आधार दे रखा है, और ये क्या दे रखा है, कार्ड दे रखा है तुम्हारे पास। तो दोनों वालों के लिए आप किसी तरीके से कर सकते हो, ये तुम्हारे पास लंब दे रखा है, ये आधार दे रखा है, और ये कार्ड दे रखा है, इसे बोलते हैं बेस बोलते हैं, इसे लंबाई और ये कार्ड दे रखा है तुम्हारे पास, और इंग्लिश में बोलेंगे हाइपोटेनस दे रखा है, और ये दे रखा है तुम्हारे पास बेस दे रखा है, और ये इसे बोलते हैं परपेंडिकुलर दे रखा है, ठीक है। तो अब करते हैं यहां से, देखो अब यहां से देखते हैं मुझे क्या चाहिए, ये वाली चाहिए, और आपको कौन सी दे रखा है तुम्हारे पास, आपको लंब दे रखा है, तो लंब देखो आपके पास एक तो ये लंब दे रखा है और एक लंब ये दे रखा है, दो चीजें दे रखी है। तो हम क्या करेंगे, तो यहां से ये वाली वैल्यू उठा लेंगे, और आपको क्या चाहिए, कर्ण चाहिए, तो कर्ण भी देख लो, इसमें कर्ण नहीं दे रखा तो मैं इसे नहीं लगाएंगे, कर्ण आपके पास कौन से वाले में दे रखा है, पहले वाले, तो पहला वाला हमें लगा देंगे, सर आ जाएगा आपके पास, तो मैं लगा दें, पहला क्या होता है साइन बटे, आपने जो पहला वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा ये साइन होता है, ये कॉस होता है, और ये वाला टेन होता है, इसका ठीक उल्टा क्या होता है, ये कॉट हो जाएगा, ये सेक हो जाएगा, और ये कॉस सेक हो जाएगा तुम्हारे पास। तो साइन थीटा बराबर में यूज करेंगे, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे एल अपॉन के हो जाएगा तुम्हारे पास, आपके पास थीटा की वैल्यू गिवन है कितनी दे रखी है 30 अंश है, तो साइन
कितना आ गया 30 अंश, और एल की वैल्यू कितनी दे रखी, लंबाई कितनी है आपके पास, लंबाई 1.5 मीटर दे रखा है, 1.5। तो और आपके पास कर्ण की बात करेंगे, कर्ण दे रखा है तुम्हारे पास एसी, तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा एसी, एसी आ गया। तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 30 की वैल्यू आपको पता होगी 1/2 कितनी होती है 2, तो आ जाएगी यहाँ पे 1/2 बराबर 1.5, नीचे आ जाएगा एसी। तो एसी का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, एसी बराबर आ जाएगा 2 का मल्टीप्लाई करते 15 दूनी कितनी होगी 30, और एक अंक आ जाएगा 3.0 मीटर आपका आंसर आ जाएगा, 3 मीटर। तो एसी बराबर फाइनली जो बच्चों आंसर आ जाएगा आपके पास 3 मीटर आ जाएगा, इस पट्टी की लंबाई कितनी आ जाएगी 10 मीटर। तो इसका आंसर यही दे रखा है, इसी का सेकंड पार्ट करेंगे अभी, इस वाले को आप उतार लो, आराम से उतार सकते हो वीडियो रोककर। आप क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं, सेकंड में देखो बच्चों क्या दे रखा है, सेम सवाल आपका यही, आप भी कर सकते हो आराम से। आप सेकंड नाम में चित्र बना देंगे और आपको पहले वीडियो रोक करके इस सवाल को पहले पूरा करना है, नहीं आए तो आपको वीडियो पूरा देखना है फिर बाद में, और कर लो तो फिर बाद में भी देख लो कि वीडियो में क्वेश्चन सही हुआ है या नहीं हुआ है। तो देखो इस वाले में, आगे वाले में दे रखा है फर्स्ट, सेकंड वाले में सेकंड क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, इसी में दूसरा क्वेश्चन है वो दे रखा है तुम्हारे पास है। आगे सवाल में बोला गया है, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर ऊंचाई की एक अधिक ढाल पर फिसलाकर लगाया जाता है, जिससे भूमि से कितने का कोण बन रहा है, 60 अंश का कोण बन रहा है तुम्हारे पास, ठीक है। तो 60 अंश का देखो सेम भाई क्वेश्चन है तुम्हारे पास, अब जो एंगल आप तुम्हारे पास, अब बच्चों को यहां से फिसलाया जा रहा है भैया, या गिराया जा रहा है, कुछ भी किया जा रहा है तुम्हारे पास, यहाँ से आप रखते हो ना, यहाँ पे आते बड़ा अच्छा लगता है आपको, गिरने में भी मजा आता है बहुत, फिर ऊपर चढ़ जाओ फिर नीचे आ जाओ। तो आपके पास देखो इसे भी ए बी और सी, ये जो एंगल दे रखा है कितने का बन रहा है, 60 का बन रहा है, तो बस आपको ये बताना है तुम्हारे पास, ठीक है। तो इसकी जो ऊंचाई दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 3 मीटर, सेम वही दे रखा है। तो बताओ बच्चों आपको मैंने बता रखा है, और आप शायद मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, लाल बटे कक्का और परपेंडिकुलर वो वाली चीजें आपको पता ही है तुम्हारे पास, तो मैं यहाँ पे लिख दे गिवन है तुम्हारे पास। तो ए भी बराबर आपकी बात कितना दे रखा है, यानी 3 मीटर, और एंगल सी बराबर कितना दे रखा है, 60 अंश, और ए सी बराबर आपको फिर क्या है, वही निकालना है आपको भी पता, वही सेम चीजें दे रखी, तो फिर भी मैं साइन थीटा के यूज कर लेंगे, साइन थीटा बराबर देखो करेंगे, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण हो जाएगा तुम्हारे पास। देखो तो लंब आपके पास कितना दे रखा है, लंब दे रखा है आपको 3 मीटर दे रखा है, तो लंब यूज यहां से करेंगे तुम्हारे पास, साइन थीटा की वैल्यू कितनी रखी, 60 अंश, 60 अंश आ गया। एल की वैल्यू कितनी रखी आपके पास, 3 मीटर, और कर्ण कितना दे रखा है तुम्हारे पास, एसी। तो साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 होती है, तो आ जाएगी √3/2, 3 और नीचे आ जाएगा एसी। तो देखो एसी का क्रॉस मल्टीप्लाई में इधर कर दे, 3 दूनी कितने हो जाएंगे, 6, एसी बराबर आ गया 3 दूनी 6 √3। देखो बच्चों आंसर हो सकता है इतना भी दे रखा हो, नहीं दे रखा है तो मैं क्या करेंगे, या तो यही छोड़ दो, नहीं छोड़ना है तो आपके पास √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। देखो एसी बराबर तो नीचे करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3, ये तो आपको पता ही होगा, √ का मल्टीप्लाई √ में करते हैं तो सेम वैल्यू रह जाती है तुम्हारे पास, 3 3 6, तो एसी बराबर आंसर आ जाएगा 2√3 मीटर। बच्चों बड़े बच्चों के लिए जो पट्टी लगाई जाएगी वो कितनी लगा जाएगी, 2√3 मीटर। तो आपको यही क्वेश्चन का आंसर दे रखा है, तो शायद बच्चों समझ में आ गया होगा। तो अब क्वेश्चन नंबर करते हैं फोर्थ वाला, फोर्थ में देखो बच्चों क्या दे रखा है तुम्हारे पास, देखो बच्चों क्वेश्चन करते हैं, अब क्वेश्चन नंबर करते हैं फोर्थ वाला, नहीं फोर्थ में दे रखा है तुम्हारे पास भूमि के, क्वेश्चन नंबर है फोर्थ, क्वेश्चन नंबर फोर में दे रखा है भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी है, मतलब मीनार के पाद से कितनी दूरी है, 30 मीटर की दूरी दे रखा है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितने का है, 30 अंश का है, तो आपको मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। देखो अब क्या करेंगे, जैसे ये दे रखा है तुम्हारे पास, ये जो मीटर की कितनी मीटर दे रखा है, 30 मीटर, एंगल कितने का बन रहा है तुम्हारा,
एंगल देखा जाए आपका बन रहा है, सॉरी क्या नाम, हाँ एंगल भी आपका है 30 अंश का ही है, 30 अंश का एंगल भी दे रखा है तुम्हारे पास। ए तुम्हारे पास आपकी 30 मीटर दे रखी है, तो मान लेंगे ए बी सी और आपसे सब, ये देखो आपको 90 डिग्री पे कट कर रहा होगा तुम्हारे पास अगर जो सीधा सीधा वैल्यू है, तो भाई आप लगा लेंगे। आपको ये बात याद करना है, तो मैंने बता रखा था लाल बटे क्या प्रयोग करोगे, कक्का का प्रयोग यहाँ से कर लेना है तुम्हें। तो क्या है आधार ये दे रखा है, तो वो दो चीजों में आधार दे रखा है आपको, और आपको क्या चाहिए आधार बटे लंब चाहिए, तो आधार बटे लंब आपके पास ये दे रखा है, तो यूज कर लेंगे और आंसर निकाल लेंगे सीधा सीधा से। तो देखो गिवन है या दिया है, दिया है या गिवन। तो इसमें क्या करेंगे, तुम्हारे पास दे रखा है आपके पास एनी BC बराबर कितना दे रखा है 30 मीटर दे रखा है, और AC बराबर नहीं एंगल C बराबर कितना दे रखा है 30 अंश दे रखा है, और आपको ज्ञात क्या करना है AB बराबर। तो AB बराबर क्या करना है आपको ज्ञात करना है, तो यहाँ पे भी यूज कर लेंगे तुम्हारे पास tan थीटा बराबर यूज कर लेंगे और आपका आंसर आ जाएगा फाइनली। तो tan थीटा बराबर फॉर्मूला होता है तुम्हारे पास, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, ये तो चीज आपको पता ही होंगी मेरे अकॉर्डिंग। टेन थीटा की वैल्यू कितनी रखी तुम्हारे पास 30 अंश, टेन लंब कितना दे रखा है आपके पास एसी एवी, आधार कितना दे रखा है 30 मीटर, टेन 30 की वैल्यू होती है 1/√3, 1/√3 बराबर एवी अपॉन आ जाएगा तुम्हारे पास 30। और 30 का क्या कर देगी मल्टीप्लाई कर देगी 30/√3, तो ए बी। अब क्या करेंगे यहाँ पे यहीं पे छोड़ दो, नहीं छोड़ना है तो आपके पास क्या करो आंसर निकालना है तुम्हें, √3 का मल्टीप्लाई नीचे कर दो और ऊपर कर दो, ए बी बराबर फाइनली जो आ जाएगा 30/√3, नीचे भी √3 ए बी बराबर आ जाएगा तुम्हारे पास 30/√3, नीचे कितना आ जाएगा 3 से काट देंगे 10, फाइनली बच्चों आंसर आ जाएगा एसी बराबर एबी बराबर 10/√3 और मीटर क्या आ जाएगा 10√3 मीटर। तो बच्चों इस एक्सरसाइज में आपके पास इतने ही क्वेश्चन होंगे, और आगे आपको वीडियो देखने के लिए आप इसे लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें जिससे आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।